हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मैं सीबीएसई ऑफिस गया था। आप सभी के जितने भी सवाल थे, जितने भी डाउट्स थे एग्जाम से संबंधित, उन सभी डाउट्स को मैंने वहां पर रखे। उसके बाद दोस्तों मैं वहीं पर एक स्कूल पर गया और स्कूल में मेरी बातचीत दोस्तों एक एग्जामिनर इंचार्ज से, और उन्हीं एग्जामिनर इंचार्ज से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, जो भी क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे थे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड, कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड, री एग्जाम से संबंधित, पैटर्न से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, यानी सभी डाउट दोस्तों इस वीडियो में आपके पूरी पूरी कोशिश करूंगा क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, इसे स्किप ना करें। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी आपके सवाल एग्जाम से रिलेटेड, उन सभी सवालों के जवाब देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न दोस्तों आप सभी ने पूछा था, जो सबसे अधिक बार पूछा गया था, कि क्या सर स्कूल में जाकर नंबर को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों स्कूल में जाकर नंबर को बढ़ाया जा सकता है, बट इसके लिए दोस्तों जो है सीबीएसई एक कमेटी का गठन करेगी। वो कमेटी अगर जांच में पाती है कि आपके जो नंबर स्कूल वालों ने दिए हैं वो आपके जो नंबर आपको मिलने चाहिए उससे कम है, तो आपका नंबर दोस्तों बिना एग्जाम के भी बढ़ाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपका नंबर जो स्कूल वालों ने दिया है वो आप डिजर्व नहीं करते हैं, आप स्कूल वालों ने गलती से नंबर कम दे दिए हैं, तो इस एवज में दोस्तों सीबीएसई जो कमेटी का गठन करेगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी, वो चेक करेगी, यदि आप इसमें आपके नंबर ज़्यादा पाए जाते हैं तो आपको बिना एग्ज़ाम दिए दोस्तों आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे। ये दोस्तों ये परफेक्ट न्यूज है, पूरी तरीके से 100% श्योर कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पहला जो क्लियर हो गया होगा आपका सभी का। दूसरा सवाल दोस्तों बहुत से बच्चों ने किया था कि सर मेरे 10th में जो है 90% है, 11th में भी अच्छे खासे परसेंट थे, बट 12th में हमारे बहुत कम परसेंट बने, तो नंबर कैसे बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास, अगर आपके पास 10th के जो मार्कशीट है उस पर उसे आप ले लें, 11th की जो मार्कशीट उसे ले लें, और उसे लेकर दोस्तों अपने स्कूल में एग्जामिनर इंचार्ज के पास जाएं और एग्जामिनर इंचार्ज को बोलें कि हमारे जो परसेंटेज है वो क्लास 10th में ज़्यादा है और क्लास 11th में भी ज़्यादा है, लेकिन क्लास 12th में कम है। तो दोस्तों वो एग्जामिनर इंचार्ज चेक करेगा, और अगर आप बिल्कुल सही हैं तो वो आपके नंबर से संबंधित जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सीबीएसई ऑफिस को खुद सेंड करेंगे। उसके बाद आपके नंबर बढ़ने के चांस दोस्तों बढ़ जाएंगे। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि आपके क्लास 10th में अच्छे नंबर्स हैं, क्लास 11th में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और क्लास 12th में बहुत कम नंबर दिए गए हैं इस क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद, तो दोस्तों आप सभी को करना क्या है, अपने स्कूल में जाना है और जो आपके एग्जामिनर इंचार्ज हैं उनसे जाकर मिलना है और उन्हें अपने वो सारे प्रूफ दिखाने हैं जो आपके क्लास 10th में हैं और क्लास 11th में है। उसके बाद दोस्तों वो अपनी तरफ से सीबीएसई को मेल करेंगे, और मेल करने के बाद दोस्तों जो रिवर्ट आएगा वो रिवर्ट आपको बताएंगे और आपके नंबर को बढ़ाया जा सकता है। आई होप ये दूसरा डाउट भी आप सभी का क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है दोस्तों, किसी प्रकार कोई काट छाट नहीं, कोई बनावट नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा जो सबसे अधिक क्वेश्चन था बच्चों के भी था कि क्या बच्चे 203 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। जी हाँ, जैसे आप बहुत से बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर क्या सर हम अपने दो पेपर का एग्जाम दे सकते हैं, बेस्ट 3 का एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो जवाब ये है कि आप री एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि सीबीएसई ने कहा था जो भी बच्चा हमारे दिए गए नंबर से इस क्राइटेरिया से खुश नहीं है वो री एग्जाम के लिए एलिजिबल है, वो री एग्जाम दे सकता है। बट 3 सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट का इसको लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसको आपको वेट करना होगा। हाँ, आप इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं, जो एग्जाम दोस्तों आपका नेक्स्ट ईयर होगा, इस साल इम्प्रूवमेंट का कोई एग्जाम नहीं होगा। यदि आप एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। यदि आप री एग्जाम देना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, और सीबीएसई ने कहा भी है कि री एग्जाम दोस्तों केवल किसका होगा, केवल जो आपको बेस्ट 3 सब्जेक्ट हैं या जो बेस्ट सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं का ही एग्जाम लिया जाएगा, सभी पेपरों एग्जाम नहीं होंगे। मान लो दोस्तों अगर आप 8 से हैं तो आपका दोस्तों जो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री है इसका पेपर लिया जाएगा और इंग्लिश का पेपर लिया जाएगा, बाकी और किसी का पेपर नहीं लिया जाएगा री एग्जाम के दौरान भी। तो ये भी ध्यान रखो दोस्तों, ये भी आप सभी के जो डाउट्स है आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन था ज़्यादातर बच्चों को है कि अगर हम पेपर दें और बाई चांस नंबर कम आ जाए
तो फिर कौन सा नंबर हमारे काउंट होंगे। तो दोस्तों बहुत सा वाजिब सवाल था और मैंने यहाँ पर रखा भी, क्योंकि दोस्तों 15 दिन में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएगा, और ऐसे में दोस्तों क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो कैस किस तरह से पढ़ाई करेंगे वो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अभी तक हमें तो पता ही नहीं कि एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम से संबंधित कोई परफेक्ट या आप कह सकते हैं कोई सही नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिली है कि एग्ज़ाम की डेट शीट क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी बच्चे री एग्ज़ाम के लिए जाएंगे दोस्तों, उन्हें जो एग्ज़ाम के दौरान उनके नंबर आएंगे, यानी जो अभी आप एग्ज़ाम दोगे वो जो नंबर आएंगे एग्ज़ाम देने के बाद, वही नंबर आपके मार्कशीट में काउंट होंगे, ना कि ये वाले जो आ चुके हैं। तो दोस्तों सोच समझ कर एग्ज़ाम देना। यदि आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि आप इस नंबर से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो आप री एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि री एग्ज़ाम देने के बाद आपके जो नंबर आएंगे रिजल्ट में वही काउंट होगा, बाकी जो अभी रिजल्ट आ गया दोस्तों वो काउंट नहीं होंगे। ये भी मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी के जो डाउट्स ये वाले क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पता चले दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और जो सवाल है, पांचवा सवाल था कि री एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होगा। तो दोस्तों री एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होगा, इसको लेकर CBSE ऑफिस से मुझे जवाब मिला था कि जो री एग्ज़ाम का सेंटर दोस्तों होगा वो आपका स्कूल में होगा। और इसमें दोस्तों ये भी एक कंडीशन है कि अगर कोरोना की स्थिति ठीक रही तो ही आपका सेंटर आपके स्कूल में दिया जाएगा, अन्यथा कुछ और CBSE इसका ऑप्शनल ढूंढेगी। बट अगर कोरोना की स्थिति सही रहती है दोस्तों तो आपका स्कूल में ही सेंटर होगा, लेकिन टीचर जो है दोस्तों, जो एग्जामिनर इंचार्ज होंगे वो दोस्तों बाहर से आएंगे, सेंटर स्कूल का होगा सेल्फ सेंटर, लेकिन जो कहते हैं ना जो टीचर होता है स्कूल के अंदर, वो टीचर दोस्तों बाहर से आएंगे, ये याद रखना दोस्तों, यानी सेल्फ सेंटर होगा लेकिन टीचर जो है बाहर से आएंगे, राइट। आई होप ये भी जो आपके डाउट्स है वो क्लियर कर पाया हूँगा मैं। अगला प्रश्न था दोस्तों कि पेपर पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो दोस्तों CBSE आप देख सकते हैं, आप उत्तराखंड के जो CBSE बोर्ड है, उत्तराखंड जो रीजनल एरिया है, तो वहाँ पर जो है लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो दोस्तों CBSE ने कहा है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो लिखित होगा, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इससे पहले होते आ रहे थे, वही उसी तरह का पैटर्न होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, कुछ वन वर्ड क्वेश्चन होंगे, इसी आधार पर आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी परीक्षा कैसी होगी वो लिखित परीक्षा होगी, राइट। इसके बाद दोस्तों सिलेबस क्या होगा, अगर यदि एग्ज़ाम दिए जाएंगे तो दोस्तों सिलेबस क्या होगा, बहुत से बच्चों को प्रश्न था कि सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों सिलेबस वही होगा जो आपका एग्ज़ाम कैंसिलेशन से पहले था, यानी जो आपके एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं मई में, उससे पहले जो आपका सिलेबस था जिसमें 30% की कटौती की गई थी, वही सिलेबस उसी आधार पर आपको री एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेंगे, उतना ही सिलेबस पेपर में आएगा यदि आप री एग्ज़ाम देते हैं तो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों एग्ज़ाम कितने घंटे होगा। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम होंगे इसको लेकर दोस्तों दो जवाब मिले थे। पहला तो एग्ज़ाम दोस्तों वो कंडीशन अप्लाई होगा, यानी अगर कोरोना की स्थिति अच्छी होगी तो एग्ज़ाम 3 घंटे हो सकता है, अगर कोरोना की स्थिति अगर रहती है तो दोस्तों जो एग्ज़ाम होंगे वो 90 से 190 के आसपास, यानी कह सकते 90 मिनट का एग्ज़ाम हो सकता है। ये दो जवाब मुझे वहाँ से मिले थे, यानी 3 घंटे के भी हो सकता है अगर कोरोना की स्थिति सही रही, नहीं तो 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या था कि क्या इम्प्रूवमेंट इस साल दे सकते हैं। तो दोस्तों इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें, अगर एक सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट देना है तो इस साल आप कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते। आप इम्प्रूवमेंट देने के लिए दोस्तों नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। फिलहाल इसमें एक दोस्तों एक और पेज है, ये भी है कि वहाँ से मुझे जवाब मिला कि CBSE की जो अभी नोटिफिकेशन आने वाली है उसका वेट करना होगा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ आप इम्प्रूवमेंट दोस्तों अगली साल दे पाएंगे, इस साल नहीं। बट CBSE जो नोटिफिकेशन जारी करेगी 5 अगस्त तक, या 5 अगस्त वाले दिन या उससे अगले दिन भी जारी कर सकती है, उसको हमें सबसे पहले देखना है उसमें क्या लिखा होता है, उसके आधार पर हम आगे बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न था दोस्तों बहुत से बच्चों का कि पेपर देने के बाद रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों पेपर देने के बाद रिजल्ट कब आएगा इसके लेकर कोई जवाब नहीं मिला है, बस इतना मिला कि रिजल्ट जो है जल्दी जारी किया जाएगा, ठीक है, रिजल्ट जल्दी जारी किया जाएगा। अब बहुत से बच्चों का बहुत जायज प्रश्न था जो मैंने उनसे पूछा भी, क्या सर जो बच्चे री एग्ज़ाम देंगे और जब उनका रिजल्ट आया गया और रिजल्ट आने तक क्या सभी कॉलेजेस में सभी यूनिवर्सिटियों में उनके लिए एक सीट रिजर्व रखी जाएगी जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं। तो इसके जवाब में दोस्तों कोई उत्तर नहीं मिला है। हालांकि पिछले साल दोस्तों बच्चों के लिए सीट रिजर्व रखी गई थी जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो इस साल भी हो सकता है सीट रिजर्व होगी, बट अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको लेकर नहीं बताएगा, ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया है। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं
और एग्जाम के बाद तक आपकी सीट अवेलेबल नहीं रहती है, तो इसको लेकर अभी सिवाय से कोई जवाब नहीं है दोस्तों। बट पिछले साल सीट अवेलेबल थी, तो अभी इसके लेकर भी हम दोस्तों अगली नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। तो जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो थोड़ा सा अभी 5 अगस्त तक का वेट भी कर लें। हालांकि अगर आपने मन बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप री एग्जाम दें दोस्तों। बहुत से बच्चों का सवाल दोस्तों ये भी था कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो हमें हमारे दो दो सब्जेक्ट में आरटी आई हुई है। आरटी मींस होता क्या दोस्तों, रिपीट थ्योरी, यानी जो भी आपके सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल वाले होते हैं और थ्योरी वाले होते हैं। तो दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकल में पास हैं और थ्योरी में फेल हैं तो दोस्तों आपको थ्योरी का एग्जाम देना होगा, प्रैक्टिकल का नहीं देना होगा। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो दोस्तों 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो आप जो बच्चा प्रैक्टिकल में पास है और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के थ्योरी में फेल है तो वहाँ पर दोस्तों उसको आरटी लगी हुई है। तो आरटी का मतलब होता है रिपीट थ्योरी। तो आपको अपने आरटी को सुधारने के लिए आपको थ्योरी का एग्जाम दोबारा देना होगा। और ये भी दोस्तों 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच एग्जाम करवाए जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब बहुत से बच्चों का सवाल था दोस्त कि सर एग्जाम कब होंगे, क्या इसको कोई फाइनल डेट है? तो दोस्तों जवाब मिला कि एग्जाम जो है वो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच करवाए जाएंगे। अब 16 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक कब होंगे इसको लेकर दोस्तों सीबीएसई जल्द ही डेट शीट जारी करेगी, हमें उसका वेट करना होगा। तो हर स्ट्रीम का, यानी आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, हर स्ट्रीम का अलग अलग डेट शीट आएगी और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों उनके एग्जाम लिए जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। आई होप आपके जितने भी डाउट्स मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चों को जो डाउट हो वो क्लियर हो पाए, क्योंकि बच्चे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। क्लियर। बहुत से बच्चों का सवाल था कि सर हमारे जो रिजल्ट उसमें आरएल लिखा हुआ आ रहा है, तो आरएल का मतलब होता है दोस्तों रिजल्ट लेटर, यानी कुछ कारणों की वजह से जो है आपका रिजल्ट अभी तक नहीं बन पाया है या आपके स्कूल की गलती की वजह से अभी तक रिजल्ट तैयार नहीं हो पाया है। विद इन अ वीक आपका रिजल्ट दोस्तों तैयार हो जाएगा और 5 अगस्त तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत से बच्चों का प्रश्न ये था कि सर हमारे रिजल्ट में आरएल लिखा हुआ आ रहा है लेकिन हमने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया था, तो क्या हम फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे? दोस्तों अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया था तो दोस्तों हो सकता है आपके प्रैक्टिकल के नंबर ना लगे उस सब्जेक्ट में, तो आपके नंबर कम आने की संभावना है। बट रिजल्ट आने के बाद ही पूरे तरीके से हम क्लियर हो पाएंगे कि क्या नंबर दिया गया, क्या नहीं दिया गया। तब तक आपको रिजल्ट का वेट करना होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों जो मेरी स्कूलों से बातचीत हुई, यानी स्कूल में जो मेरे इंचार्ज थे एग्जामिनर उनसे मैंने बातचीत की और उन्होंने क्या जवाब दिए सभी प्रश्नों के। तो सबसे पहले प्रश्न मैंने दोस्तों यही पूछा, जैसे हमने देखा कि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि स्कूलों की वजह से कम नंबर मिले हैं, ठीक है, क्या स्कूलों ने टीचरों को कम नंबर दिए हैं या स्कूल के रेपुटेशन का कुछ इस पर फर्क पड़ा है? तो दोस्तों उनका कहना था कि स्कूल की तरफ से कोई भी गलती नहीं की गई है, अब स्कूल ने बच्चों को सही नंबर दिया है बट सीबीएसई ने नंबर काटे हैं, ये उनका कहना था। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैंने उनसे पूछा कि क्या सर जो स्कूल की रिपुटेशन है, यानी पिछले साल के जो बेस ईयर था, आप 2-3 साल के रिजल्ट के वेरी करेंगे तो पिछले साल में अगर आपका रिजल्ट खराब था तो इस साल भी आपका रिजल्ट खराब होने की संभावना थी? तो उन्होंने कहा हाँ, सीबीएसई ने इस आधार पर रिजल्ट बनाए क्योंकि जिस स्कूलों का रिजल्ट 2 साल पहले खराब था उसका रिजल्ट अचानक इस आधार पर ठीक नहीं किया जा सकता था, इस पर बच्चों जो नंबर कम होने का बहुत बहुत फर्क पड़ा है, इसी वजह से बहुत से बच्चों कम नंबर आए हैं। तो वहाँ मैंने उनसे सवाल पूछा कि सर इसमें तो बच्चों के साथ धोखा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर सीबीएसई काम कर रही है, जल्दी इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आप लोगों के पास 200 विकल्प है, आप अपने एग्जाम को लेकर, आपका जो रिजल्ट है उसको लेकर दोस्तों आप स्कूल में जा सकते हैं और वो सारी चीजें प्रक्रिया आपको स्कूल में समझा दिए जाएंगे। आप अपने क्लास टीचर से मिलिए, राइट, और क्लास टीचर को वो सारे अपने दिखाइए, जो भी क्लास 10th की मार्कशीट है, आपके क्लास 11th की मार्कशीट है, उनसे संबंधित वो सारे जितने भी आपके मार्क्स है वो दिखाएंगे, उन्हें वो मिलाएंगे और आपकी सारी चीजें दोस्तों वो वहां से फॉरवर्ड करेंगे सीबीएसई ऑफिस, और सीबीएसई ऑफिस से जैसे भी कोई रिजल्ट मिलेगा वो आपके नंबर को सुधार देंगे या सीबीएसई खुद इस पर काम करेगी दोस्तों, उन्होंने ये मुझसे कहा है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन था स्कूल से, मैंने पूछा था कि क्या स्कूल ने पूरे नंबर दिए थे? तो स्कूल ने दोस्तों जवाब दिया कि हाँ, स्कूल की तरफ से किसी प्रकार की कोई रिजल्ट में कोताही नहीं बरती गई, बट दोस्तों
अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्कूलों ने बिल्कुल ऐसा ही कहा है कि कुछ बच्चों के पैसे के आधार पर भी नंबर दिए गए हैं, कुछ बच्चों के जो है नंबर अच्छे आ सकते थे बट उन्हें कम नंबर दिए क्योंकि उन्होंने पैसे की डिमांड पूरी नहीं करी। दोस्तों कुछ स्कूलों ने तो वैसा भी किया लेकिन हर स्कूल ऐसा नहीं किया है, तो ये हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो पूरे पूरे नंबर दिए थे बट स्कूलों का जो रेपुटेशन है, स्कूलों के जो पिछले दो साल का जो बेस है उसका बच्चों के नंबर पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा है। अगला प्रश्न मैंने उनसे ये पूछा था दोस्तों कि क्या आपने जो नंबर CBSE को दिए हैं वो दिखा सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने सीधा पूरा कट टू कट जवाब दिया दोस्तों कि हाँ वो नंबर हम शो कर सकते हैं, यदि आप स्कूल जाएं दोस्तों और आपने अपना मार्कशीट यानी क्लास 10th और क्लास 11th के मार्कशीट दिखाएंगे और उनसे दोस्तों पूछेंगे कि आपने हमसे हमें कितने नंबर दिए हैं क्लास 12th में, तो दोस्तों वो आपको जरूर दिखाएंगे और जो भी उसको दिखाने की प्रक्रिया होगी वो आपको बताएंगे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर सारी प्रक्रिया स्टूडेंट्स को ही बताई जाएगी, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपको सारी प्रक्रिया को समझा देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो ये सारे सवाल थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बहुत से बच्चों के अगर कोई सवाल रह गए होंगे तो मैं उस सवाल को दोस्तों शाम 6 बजे के बाद ज़रूर लेकर आऊँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए। इसके अलावा दोस्तों बहुत से बच्चे पैटर्न को लेकर ही पूछ रहे थे, तो पैटर्न मैंने आप सभी को बता दिया है। ये थी आज की पूरी बातचीत दोस्तों, आई होप मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ। अगर क्लियर कर पाए दोस्तों तो ज़रूर लाइक कर दें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और हमारा जो एफर्ट है उसको दोस्तों सराहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों और हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।